जय हिंद दोस्तों, हम हैं फिजिकल कोच अमोल ताड़े और फैन हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी के। और आज आपके सामने आने का हमारा एक मकसद है, जो कि अभी अभी हाल ही हाल में एक बीआरओ ग्रिफ की भर्ती निकली है। और जितने भी नौजवान दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से करते हैं, उन्हीं के लिए अभी ये सुनहरा मौका है। उसमें बहुत वैकेंसी निकली है, जैसे कि ड्राइवर के लिए, मैकेनिकल के लिए, बहुत से ऐसे पोस्ट है कि जहां हम अपना करियर बना सकते हैं। तो जितने भी नौजवान फौज में लगने की जिनकी भी इच्छा है, वो अभी अपना लक्ष्य बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है, जैसे कि हम हमेशा फिटनेस पे वीडियो बनाते रहते हैं, नौजवानों को बोलते रहते हैं कि सबसे महान कार्य जो भी होता है वो देश रक्षा करना, यही सबसे महान कार्य है। तो सभी नौजवानों को यही हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप हमारे अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, जोश हो, जुनून हो, क्योंकि हमारे इस भारत देश को बचाने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना खून पानी के जैसे बहाया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। तो जैसे कि बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि भारत देश के जो बॉर्डर पर जो भी रास्ते होते हैं, उस रास्तों को मेंटेन रखना ये बीआरओ का काम होता है। तो उसी की भर्ती अभी हाल ही हाल में निकली है। तो हमसे जितना हो सके उतना हम इस वीडियो के ज़रिए सभी नौजवानों को कुछ आपके सामने कुछ प्रश्न लाए हैं, तो उसे ज़रूर ध्यान उस पर रखें और अच्छे तरीके से सुने और उसी प्रकार से वो एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो जैसे कि वो 100% एग्ज़ाम में वो प्रश्न आने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से अभी जो भी हम आपके सामने उस प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे, तो अच्छे तरीके से सुनो। पहला हमारा जो भी क्वेश्चन है वो है, बीआरओ ग्रिफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका आंसर है न्यू दिल्ली मुख्यालय है और उसका सेंटर पुणे है। बीआरओ ग्रिफ का सेंटर पुणे है और उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ग्रिफ के सबसे बड़े महानिदेशक कौन थे? तो उसका आंसर है मेजर जनरल KN दुबे। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ग्रिफ के नए महानिदेशक कौन है? उसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ग्रिफ की स्थापना कब हुई थी? उसका आंसर है 7 मई 1960 में। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ग्रिफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ग्रिफ चीन सीमा के पास सड़क परियोजना को संभालने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन थी? उसका आंसर है वैशाली एस हिवासे। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ग्रिफ की युद्ध के दौरान क्या भूमिका होती है? तो उसका आंसर है बॉर्डर पर जाने वाले रास्तों को मेंटेन रखना, इमरजेंसी में पुल बनाना, यही बीआरओ ग्रिफ की युद्ध के दौरान भूमिका होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बीआरओ ग्रिफ इंडिया में ही रहती है क्या? उसका आंसर है अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल आदि के अंदर भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि हमारे बीआरओ इंडिया में ही ड्यूटी करती है, तो इंडिया के बाहर भी बीआरओ ग्रिफ फोर्स ड्यूटी करने के लिए जाती है। तो सभी लोगों को ये सुनहरा मौका है, सभी लोग अच्छे तरीके से मेहनत करो, अच्छे तरीके से अपना करियर बनाओ। और भी इसके आगे अगर कुछ आपको कुछ पूछना अगर हो तो कमेंट के ज़रिए हमें बताने की कोशिश करें।
जय हिंद।